ये है भाई साहब, आप अपनी आँखों से देख सकते हो, चारा मरा हुआ है, मूंग कहीं है नहीं इतने एरिए में, बिल्कुल ये ट्रैक्टर की लकीर बनी हुई है आगे जाने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल देख लो आप, इतनी कम से कम आधा एकड़ के जंगल में मूंग है ही नहीं। वहीं इस तरफ देखो पीछे साइड, ये मूंग पूरी चारे में पुर रही है, ये अपने बगीचे वाली मूंग है, खले वाली है ना, ये ट्रैक्टर की आने जाने की लकीर बनी हुई है, पूरी मूंग चारे में पूरी है। तो ये भाई साहब मैंने आपको दिखा दी है फार्मिंग विद संयोग की हकीकत, कि इस तरह की भी हमारे खेतों में मूंग है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी मूंग हो, थोड़े घने जंगल में ख़राब मूंग भी रहती है। और इस तरह के जो चंदके वाले प्लाट मैंने आपको दिखाए हैं, इस तरह के प्लाट इसी खेत में नहीं है, और भी खेत में है, जहाँ इस बार क्या है बुआई के बाद पानी गिर गया था, तो बहुत गंभीर समस्या थी मूंग उगने में। हम लोग लेट बुआई भी करते हैं तो हमने दोबारा से बोनी नहीं करी। अपन आगे चल रहे हैं आज पूसा की 16-31 मूंग देखने, सॉरी 16-41 मूंग देखने, 31 तो 14-31 है, 16-41 है। तो हम उस मूंग को देखेंगे और चर्चा करेंगे, उसके बाद ही जहाँ बहुत ज़्यादा दोंगली थी वहाँ पे हमने सैंपरा डाला था, तो उसका अभी क्या रिजल्ट। ये देख लो आप, ये वाला जंगल भी पूरे एक महीने की मूंग हो गई है, लगभग 25 दिन की तो हो ही गई है, ये बिल्कुल नहीं है, सब अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे भी ये पौधे देख सकते हैं आप, बिल्कुल चारे से पूरे हुए हैं। आगे चलते हैं, आज मैं आपको अपने खेत की खराबियाँ ही खराबियाँ दिखाऊँगा। तो ये यहाँ से वहाँ तक मिला के ये 1.5 एकड़ जंगल हो चुका है, जो मेरा एकदम ख़राब है इस कंडीशन में। ख़राब का मतलब पौधे बना लेंगे, पेड़ अभी 25 ही दिन हुए हैं, मगर अभी फिलहाल में तो मैं इसको ख़राब ही। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से भयंकर चारा रहता है भाई साहब मेरी मूंग में। और इसमें अपन ने इस बार डाला था आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले फ्यूजी फ्लैक्स के साथ सैंपरा। सैंपरा इसलिए डाला था भाई साहब कि मोथा बहुत था, ये फ्यूजी फ्लैक्स ने तो इसका असर कर दिया है, बाकी अच्छा रिजल्ट है। सैंपरा का भी मैं आपको आज 10-12 दिन में रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आप, इस जगह पे भयंकर दोंगली लगी हुई है, ये आ गए अपन दोंगली के बीचों बीच में ये, और यहाँ दोंगली बैठती हुई सी दिख रही है और मूंग अब उठती हुई सी दिखने लगी है 10-12 दिन में। ये अपन बहुत तेज़ दोंगली वाले एरिए में आते हैं, ये तो मैं इसको उखाड़ता हूँ, अब आप देखिएगा ये उखड़ गई है और ये मिट्टी लेके ही उखड़ी है, ये देखो जड़ काली है। आज 10-12 दिन का रिजल्ट है, और आज से अगर मैं आपको 10-12 दिन बाद दिखाऊंगा तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये देखो सामने ऐसा दिखाई देगा नज़ारा, मैं आपको यहीं से फिर से ये लाइन दिखा दूंगा, ये दोंगली बिल्कुल सपा हो जाएगी भाई साहब ये बात। तो अब अपन बढ़ते हैं पूसा की मूंग की तरफ। तो भाई साहब ये है अपनी 16-41 जो कि मैंने आपको आज से 15 दिन पहले दिखाई थी, जिसमें अपन ने धानुका के लार को स्पेनिटोरम का छिड़काव किया था, सिर्फ उसी का, क्योंकि इस वाले प्लाट में और इन प्लाटों में और ये वाले प्लाट में इल्लियाँ दिख रही थी, अपनी जो पहली दवाई का छिड़काव था वो धुल गया था, इसलिए 15 दिन के बाद भाई साहब इसमें अपन ने ये देखो, ये मेरी जो 16 एंग है पूसा की, उसमें ये दिक्कत आ रही है। और बहुत से भाइयों ने वीडियो बनाया है, उन्होंने बहुत अच्छी फसल दिखाई है, बढ़िया फसल दिखाई है, पर मेरी मूंग इस तरह से जब से उगी है ना तब से ही सूख रही है, ये डंपिंग ऑफ है, जड़ गलन भी कहते हैं इसको, ना जाने भैया इतना तो गणित नहीं जानते कि फफूंद के कितने प्रकार हैं और क्या क्या है, पर ये उससे अपने क्या बोलना चाहिए यार, भूल गया यार मैं, उसके छिड़काव से ठीक हो जाएगी, हेक्सा कोनाजोल से भी ठीक हो जाएगी, टेबू कोनाजोल से भी ठीक हो जाएगी। तो भाई साहब ये अपनी जो मूंग है, यहाँ आप देख, ये पूरी पूरी हो गई है 30 दिन की, और पिछले 15 दिन पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पौधे दिखाए थे, उन्होंने बिल्कुल हाइट नहीं ली थी, उतने उतने बड़े थे वो, दिख रहा है ना बिल्कुल जर्जरा से,
तो अब इन्होंने 15 दिन में हाइड भी ले ली है, एक हर्बिसाइड अपन ने इसमें फ्यूजी फ्लेक्स भी डाल दिया है। ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, छोटा छोटा चारा बचा है, कुछ इस तरह का चारा बहुत है मेरे खेत में इस साल। ये इसकी सब्जी बनती नोनिया है क्या है जे, तो ये बहुत है। पर अब पौधों ने हाइट ले ली है, इस तरह से ये फूल के कलगे भी फेंक रही है। और ये जो प्लाट है ये बहुत बिगड़ा हुआ प्लाट है, पर इसका इस साल हम बीज बनाएंगे और इस बीज में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और अगले साल फिर देखेंगे कि क्या होता। वहीं इसके बगल यहाँ पर आप देखेंगे पूसा की शीस और अपनी घर की ये मूंग है PDM 139। और ये भी मैं दिखाता हूँ, तो ये भी फूल फेंकने के लिए तैयार है, लगभग ये भी 35 दिन की हो चुकी है, यहाँ ये कलगे बनाने लगी है। ये मूंग 30-32 दिन में इसने फूल फेंकना चालू कर दिया है, और 32 से 35 दिन में पानी में अंतर हो जाता है ना, 2-4-5 दिन का, ये कलगे डालने लगी है। दोनों मूंग में फूल का टाइम बराबर है, टाइमिंग सेम है, बाकी ये बीज उपचार थोड़ा गड़बड़ था, तो ये शुरू से ही गड़बड़ है। ये इसमें कोई सूखने उखने की तकलीफ़ नहीं आई है अभी तक, दवाई की टाइमिंग पानी की टाइमिंग सेम है, और इस समय पर हमने पानी फिर से लगाया है। ये पानी देखो ऐसा हमारे खेत में, तो भाई साहब ऐसा ये धान के गट्टे हुन रहते ना, तो इस तरह से भरा के चलता है यार भैया हमारे खेतों में पानी चलेगा। ये देखो ये भरा हुआ है, मूंग में जितना हल्का पानी चलता है कम से कम पानी रहता है, मूंग उतनी अच्छी रहती है और उतना अच्छा उठाव करती है। पर अपने पास इतने नाटक उलझने ले देंगे, जैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर मूंग के अच्छे से अच्छे एवरेज की जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। कईयों किसान ऐसे हैं जो मेरे से पूछ के वीडियो देख के मेरे से ज़्यादा एवरेज, ये ऐसा पानी भरा के चल रहा है अपनी मूंग में। ये लगभग सभी मूंग अपनी 30 से 35 दिन की अवस्था में हो चुकी है, और ये शायद अब कौन सा पानी है यार, ये तो मुझे मालूम नहीं, कि पिछले 15 दिन से मैं फील्ड से ही गायब था, अब मैं आया हूँ, काम वालों से पूछ पूछ के आपको बताऊंगा कि कौन से खेत में कितने पानी हुए क्या हुए, सभी कुछ जानकारियाँ दूंगा, पर उसके लिए टाइम लगेगा। आज मैंने आपको पूछा कि 16 दिखाई है, अभी आपको GM5 विराट डबल तलवार और भी मूंगे दिखाना है, तो बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ, जय राम जी।